चुके हैं भाई, बटा रहा सबको यहाँ आते जाते को। और इस अपार्टमेंट का जो प्राइस पड़ा है वो पड़ा है भाई हमारे को, इस जगह को देख के ना, मतलब के बेटा देवनगरी है की जगह है कैलाश पर्वत पे। आज तो हम इतना चल दिए भाई, एक शहर खत्म कर दिया हमने। ओ भाई के ये खाना था, मुझे मैं हमेशा देखता था। पाकिस्तान के हालात भी कुछ अच्छे नहीं है इन दिनों। अभी ये फाउंटेन लगा हुआ है और यहाँ पर इसका बटन है प्रेस करने वाला। और अब की बार भाई मल्होत्रा साहब ने लगवा दिया लाइन। और ये आ गया भाई मिनोरी, यहाँ पे हमने रुकना है। तो भाई हम उतर गए अभी मिनोरी पे, एक घंटा लगाया बस ने और एक घंटे में मैं पहुंचा दिया। और ये हेलो एक्सक्यूज मी ब्लोंड गर्ल, भाई इंडियन यूट्यूबर, से हेलो, वेलकम, फैबुलस, या थैंक यू, ऑस्ट्रेलिया। ये भाई पटा रहा सबको यहाँ आते जाते को। अच्छा बेटा रहा, ऐसे ही होने चाहिए। और सामने है बीच और यहीं कहीं पास में हमारा है भाई अपार्टमेंट। तो भाई इधर है हमारा अपार्टमेंट, थोड़ा सा गलत गली में एंट्री कर गए थे, तो जो ये अपार्टमेंट के ऑनर हैं ये आ गए लेने। ये कार्लोस हैं, नाइस टू मीट यू कार्लो। इनका अपार्टमेंट है भाई जो हमने बुक किया है, देखते हैं कैसा अपार्टमेंट है। ये एड्रेस है। और ये सामने जो रास्ता है वो बीच को जाता है हमारा। मन्नी के चेहरे पे ऐसे ही देख लो, बीच के नाम से ही तेरे लिए आए थे बेटे यहाँ पे। तो भाई ये है हमारा अपार्टमेंट और मन्नी विल शो यू द अपार्टमेंट। सबसे पहले तो इधर ही आया है, ये बच्चों के लिए बेड मान लो, या आपके साथ कोई थर्ड फोर्थ पर्सन है उसके लिए मान लो। आई थिंक नहीं, ऐसे ही है, सिंगल ही है, ठीक है। और ये बालकनी है, दूसरी साइड से दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे वर्क टेबल भी बना रखी है, टीवी भी। और ये वॉशरूम है हमारा, ये वॉशरूम है भाई, वॉशरूम देख लो पहले आप। शावर देखो हमारा कैसा लग रहा है। हाँ जी, ये वॉशरूम है भाई बीते, और वॉशिंग मशीन, उसके बाद ये बाथरूम है भाई। 9.7 रिव्यूज हैं इनके booking.com पे, जो रिव्यूज वगैरह हमने देख के लिया था। ये मिरर लगा हुआ है यहाँ पे, ये बालकनी है भाई, सामने यीशु मसीह। और ये चेयर्स मिल गए मुझे, चेयर्स भी हैं और टेबल भी है, शाम को बालकनी पे बैठना हो तो। और ये बंद कर दो कोई, और एक कूल अलमीरा लेकिन वो डबल है। और एक ये भाई किचन एरिया, और ये हमारे बैग्स बहुत साफ सुथरी। और ये देखो भाई फ्रिज कितना ऊंचा है, सब फ्रिज है इनका। फ्रीजर भाई, केटल, माइक्रोवेव ओवन, ये डाइनिंग, ये एक और विंडो है यहाँ से, यहाँ से भी नज़ारा देख लेते हैं। कोई बहुत खास नहीं है, बैक साइड है घरों की। और ये प्लास्टिक वगैरह, टीवी लगा हुआ है हर जगह, हर रूम में। कैसा लगा जी मैम साहब, ठीक है, गुड? मन्नी को कैसा लगा? एक औसम थिंग दिखाने लगा है मन्नी। ये यहाँ पर देखो घर। और इस अपार्टमेंट का जो प्राइस पड़ा है वो पड़ा है भाई हमारे को 385 यूरो, लगभग 36,000 रुपये दो रातों के लिए। फिलहाल भाई अभी निकले हम स्टोर की तरफ जा रहा हूँ मैं, मन्नी के लिए दूध वगैरह लेके आते हैं, कुछ खाना पीना, थोड़ा बहुत ड्रिंक्स वगैरह लेके आते हैं, पेप्सी कोक। मुझे बहुत पसंद है ऐसे ना सिटी सेंटर वगैरह में रहना, मैं कोशिश करता हूँ लोकेशन जो वो सिटी सेंटर में ही हो, अपनी आसपास ही हो, ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो भाई एक सुपर मार्केट हमें मिल गई है, हमें लेना दूध, दही, कोक। भाई हमने लिए योगर्ट और मिल्क। मिल्क आपको लेना हो ना, कभी भी कंफ्यूज हो, तो जो ये नीले वाला होता है ना डार्क ब्लू, ये डार्क ब्लू जो है वो प्लेन मिल्क होता है, और ये फ्लेवर्ड मिल्क होते हैं जो कलरफुल होते हैं। तो कभी भी लेना आपने तो ये डार्क ब्लू वाला ले लेना, सारी जगह मैंने ऐसा ही देखा है भाई। ये बहुत सुंदर सी एक पेस्ट्री शॉप है,
हमें रात को खानी है पाव भाजी, दिन में तो अभी कुछ खाएंगे, लेकिन ये बहुत अच्छी सी शॉप है यार। चीज़ वगैरह देखो ना, कुछ डिफरेंट दिख रहा है, पिज़्ज़ा बड़े बड़े चीज़ के बोलते थे। स्मॉल व्हाट इज द नेम? परवोले देल मोना भाई, जो भी है फेमस चीज़ है, तो चीज़ भी ले रहे हम वो। तो यार बहुत बढ़िया शॉप है ये, हाँ नाम भी मिला है। और ये बिल्कुल हमारे अपार्टमेंट के सामने है जगह, बढ़िया लोकेशन पे अपार्टमेंट मिल गया भाई। गुड, कोई भी चीज़ लाना आसान नहीं है, किनुआ फैल गया इस बार। तो मैडम कह रही है हम सलाह तो लोगों को दे रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है सामान लेके आना। तो भाई हमसे एक गलती हुई, आप लोगों से ना हो टेप लेके आना, या हाथ के हाथ टेप से आप सील कर सको, आपकी ये खुले ना, नहीं तो फिर काम बढ़ जाएगा आपके लिए और कुछ नहीं होगा, मैडम के लिए बढ़ जाएगा आपकी। और भाई बना रहा है यार मैगी। चलो भाई शाम के बज गए हैं सब आज़ाद, हम निकलने लगे हैं अपने अपार्टमेंट से, और भाई के पास होती है चाबियाँ हमारे अपार्टमेंट की सारी, भाई संभाल रहा है। थोड़ी सी सीढ़ियाँ और बिल्डिंग का ऐसा, बाकी अंदर से अपार्टमेंट तो यार स्पॉटलेस था ये। वैसे ये देखोगे तो बाहर से अलग और अंदर से अलग सिस्टम है। और निकलते ही भाई ये सामने ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट भाई सामने बीच है, तो मन्नी को बहुत पसंद है हमारे को बीच। मन्नी गोवा गया था बीच के चक्कर में, बीच पे जाना था, हम गोवा चले गए 2-3 दिन के लिए, अभी गए थे पीछे, उसकी वीडियो वगैरह बनाई नहीं थी भाई। ये है भाई मिनोरी, भाई देखो एक सच्ची बात बताऊं, बीबी को थैंक यू इस जगह को देख के ना, मतलब के बीवी को थैंक यू करने का मन कर रहा है, क्योंकि बीवी का मन था इटली आने को, नहीं तो मैं तो इराक कुवैत कतर यही मज़ा आता मुझे घूमने में। बीवी ने कहा कि नहीं जी इटली जाएंगे अब के, और यूरोप जाएंगे, बहुत टाइम हो गया यूरोप गए। और बीवी की सुन लो, बीवी हेलो, बीवी की सुनोगे? बीवी की ख्वाहिश थी कि एक बार ना मैंने फ्लाइट पर ज़रूर चढ़ना और एक बार बाहर ज़रूर जाना, चाहे मैं जाऊँ नेपाल। अपनी मम्मी को क्या क्या आई थी? नेपाली। तुझे तो पता ही नहीं क्या 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 आई थी, तू तो छुपी रहे। अपनी मम्मी को क्या क्या आई थी कि लाइफ में ना एक बार मैं बाहर जाऊंगी, चाहे जाऊँ नेपाल। और आप पता क्या कहती हैं? मालदीव्स, अमालफी, ग्रीस, सेंटोरिनी। भाई हम तो नेपाल वाली लाए थे, बताओ सोच के। चलो खैर इनकी किस्मत है, इनकी किस्मत से ही ट्रैवलिंग मंत्रा में आप हम सब घूम रहे हैं, तो थैंक यू है भाई सबकी तरफ से, थैंक यू है आपको, हम सबको आप घुमा रहे हो। शुक्र है नेपाली बोला था, कहीं US बोल देते तो अंतरिक्ष में जाते सीधा हैं। ओ यार ये जो है ना पागल ही रहते सारे भगवान, ये जो है ना पहाड़ ऐसे गायब हो रहे बादलों के ऊपर, वहीं हेवन है गाइस, वहीं सारे भगवान रह रहे, मिल गया ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। हेवन तो बेटा कैलाश पर्वत पे ही है, वहाँ रहते हैं देवों के देव महादेव। वो अलग बात है ना, ये देवनगरी है बेटा, देवनगरी है की जगह है कैलाश पर्वत पे, ये कुछ नहीं है, ठीक है सुंदर है, लेकिन मेरे भारत से सुंदर कुछ नहीं है भाई। देख तो लेना बेटा, देखना इसमें आज तो हम इतना चल दिए भाई, एक शहर खत्म कर दिया हमने, शहर ही खत्म हो गया, यूरोप ही खत्म हो गया, इतना चल लिए आज। आज सबसे कम चले हम, 1.5 किलोमीटर भी नहीं चले, 15 की एवरेज है हमारी यूरोप टूर पे अभी तक जितने दिन हुए हैं। कोई देखो यार ये कौन सी कार है। और भाई यहाँ पर थोड़ी थोड़ी ठंड है, तो हमने मन्नी बाबू को कपड़े पहना दिए पूरे, स्वेटशर्ट ये है, कोक भी है। और ये मैं एक पिज़्ज़ेरिया पे, जो अपार्टमेंट के ऑनर थे उन्होंने सजेस्ट किया था कि यहाँ आना भाई ये बेस्ट है, और हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया है। वैसे रेट वगैरह आप देख लो, कैंसिल इसलिए किया है कि बच्चे कह रहे कि वहाँ बैठेंगे जी बढ़िया जगह पे, ऐसा ना करो मल्होत्रा साहब हैं। देख कैसे मुस्कुराए, कह रहा पिज़्ज़ेरिया पे, पिज़्ज़ेरिया पे भी भाई तुम लोग ही बैठ रहे थे, मैं तो सुबह से कह रहा हूँ यहाँ बैठेंगे, तो भाई यहाँ बैठेंगे हम, ये सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट लग रहा है फ़िलहाल यहाँ का जो हमने देखे। और ये जगह है ये
एक इनका भाई वेटर है, बहुत फनी बंदा है, वो बड़ा कलाकार है। जैसे आते हुए हमें इतने रोका था। और भाई इटली अपनी वाइन के लिए भी बहुत फेमस है, तो हमने एक फेमस वाइन मंगाई है यहाँ की, जो लोकल वाइन है मिनोली। यस, फूड आ गया हमारा, ये स्पेगेटी, पिज्जा मार्गरीटा और लसानिया। आप खा पाएंगे? हाँ जी खा पाएंगे जी, खा लो आप। और भाई हमने मंगाया सब कुछ वेज, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ था पोर्क और बीफ का ऑप्शन, तो दोनों ही चीज़ें हम नहीं खाना चाहते। चलो भाई स्टार्ट द फूड। खाना पीना खा लिया, और मुझे खाना यार ये वाला पिज्ज़ा, यहाँ पे नहीं है वो वाले, उसमें होगा तो वहाँ पे देखेंगे ज़रूर। बिल आया 44 यूरोस का। 44 यूरोस में एक चीज़ हो रहा है, इन्होंने दो जगह सर्विस लगाई है, मतलब 10 यूरो तो सर्विस के लगे हैं, बैठने के मान लो आप 10 यूरो अलग से लिए हैं, और जो मेन्यू में रेट थे वो अलग लिए हैं। तो हमारा बिल आया 40 यूरो, 10 यूरो का मतलब हो गया लगभग 930 रुपये सिर्फ बैठने के अलग से। भाई एक और बात इस बिल को देख के याद आ गई, इंस्टाग्राम पे मैंने वो एक रील डाली थी जिसमें खाने को लेके बात हुई थी कि भाई हम इंडिया से बहुत सारा खाना लेके आए हैं, तो एक भाई का मैसेज आया, कमेंट आया, वो कहता है यार इतना सारा खाना ले जाने की ज़रूरत नहीं थी, वैसे भी वहाँ तो बहुत सस्ता है। और भाई उस भाई को मैं बता दूँ, भाई सस्ता ये देख लो आप कितना है, कि 44 यूरो का मतलब आप मान के चलो लगभग भाई 4,500 रुपये हो गए होंगे, 4,000 मान लो। और हमने रात को जो खाना हम लेके आए थे उसमें से खाया था कड़ी, चावल, सैलड और भी दो चार चीज़ें हम जो भी लेके आए स्टोर से वो हमने खाई, और वो जो कड़ी थी वो 300 रुपये की थी, चावल पड़े होंगे ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये के, तो 400 से 500 रुपये में ना हमने खाना खा लिया था पेट भर के, और बचा था सुबह भी खाया उसमें से, चावल और कुछ कड़ी बच गई थी, और 4,000 रुपये में पेट पूरा भरा नहीं है। तो उस भाई को भी जवाब है और सबके लिए है कि हाँ महंगाई है, लेकिन यार आयो खाओ पियो, इतना अपना सोच के आओ कि जब भी कहीं बैठोगे 4 से 5,000 रुपये फैमिली का बिल देना, अकेले हो तो 1,000-1,500 रुपये का बिल देना है, तो तब यूरोप आने का मज़ा है। और अगर रोते रहना है, खाना ही कुछ नहीं, फिर आना मत यार। भाई लौट के बुद्धू घर को आए, इस जगह का हमें रिकमेंडेशन किया था हमारे जो अपार्टमेंट के ऑनर थे उन्होंने, और वापसी हम यहीं आ गए हैं। वहाँ ना मेन्यू समझ भी नहीं आ रहा था आप ये गए, और वो जो क्वांटिटी थी वो भी ऐसी नहीं थी, तो अभी दोबारा से यहाँ आए खाने, और मुझे मैंने बताया था वो जो पिज्जा है ना फ्राइड टाइप का वो खाना था। और फिर हम कुछ खाने लगे हैं अगेन, और एक्चुअली क्या होता है ना, जो फैंसी रेस्टोरेंट है ना, जब बैठने का अच्छा होता है तो ज़्यादातर वहाँ खाने का अच्छा नहीं मिलेगा, और जहाँ बैठने में शोर शराबा और बहुत अच्छा नहीं है तो खाने में अच्छा। हैप्पी बर्थडे भाई, ये बच्चे आए हुए हैं और ये बर्थडे पार्टी है, शायद पीछे गुड़िया बैठी हैं, छोटी बच्चियाँ हैं हमारी, भगवान इन्हें खुश रखे। ओ भाई के ये खाना था मुझे, मैं हमेशा देखता था। और ये देखो ये वाला बेस है ना जो मार्गरीटा का, वो बहुत बढ़िया लगता है मुझे। हाँ जी मन्नी कैसा लग रहा है ये वाला पिज्जा? कौन सा पिज्जा खाएगा ये? मार्गरीटा कौन सा? ये मार्गरीटा है। चलो भाई अटैक अटैक, ओ गरम है भटूरे को, भटूरा भाई भटूरा भटूरा। भाई खाते खाते एक भाई आ गए, बांग्लादेशी भाई, हाँ डर जाते हैं वीडियो से। थैंक यू मन्नी, मन्नी ने बर्थडे विश किया दीदी को अभी। भाई दो लिए थे हमने फ्लावर, एक मैडम के लिए। थैंक यू, आपने हमें अमालफी घुमाया मैडम, नेपाल भी आपने घुमाया, नेपाल आपने बोला था हमें, नेपाल वाले लोगों लव यू। भाई ये भटूरा जो मैं हमेशा देखा करता था फोटोज़ में, इसके अंदर ना हैम और चीज़ है जो फील्ड है,
और आप अगर प्लेन खाना चाहो तो प्लेन खा लेना भटूरा, हैम और चीज़ बहुत भारी हो गई। हम ऑलरेडी एक रेस्टोरेंट पे खा के आए थे और यहाँ पे खाए। और यहाँ पे एक और बात है, वही वेटर है, वही कैशियर है, वही सर्विस, हर बंदा मतलब जो मिल जाए वो सारे काम कर रहा है, सब ऑलराउंड रहे हैं। ये हमारा बिल है 25.44 और ये था अपना डिनर, पिज़्ज़ा, फूड, नेपोली, मिनोरी, इटली, मिनोरी। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।